दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज एक नई रेसिपी के लिए मैं आप लोगों को वेलकम करती हूँ। आज जो नाश्ता बनने जा रहा है ये ओट्स से बनेगा और बहुत ही हेल्दी तरीके से मैं बनाऊंगी, क्योंकि ओट्स सबको पसंद है, सबको अच्छा लगता है और सब जानते ही भी हैं कि ये हेल्दी है। तो बहुत अच्छी तरह से नहीं बनाने से ख़राब भी लगता है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला ओट्स। तो इसके लिए मैंने क्या क्या इन्ग्रीडियंट लिया है एक बार दिखा देती हूँ आप लोगों को। आइए, रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने भी हमारे चैनल में नए आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। तो इसके लिए ले रही हूँ मैं ओट्स एक कटोरी, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटा हुआ बीन्स, गाजर और 3 मान धनिया के पत्ते। इसको हम हरा धनिया की जगह पर यूज करते हैं और इसको नगा धनिया भी बोलते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप हरा धनिया का यूज करिए। मसाले के तौर पर ले रही हूँ हल्दी पाउडर, मैगी मसाला मैजिक, साबुत जीरा, लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से डालिए। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह पर आप हरी मिर्च थोड़ा सा ले सकते हैं तो ये हेल्दी बनेगा। एक पैन गरम कर लेंगे और इसमें 1 चम्मच के करीब तेल डाल देंगे। तेल गरम हो गया, अभी मैं साबुत जीरे को डाल दूंगी। थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है, बहुत ज्यादा इससे पकाना नहीं है। अब अनियन डाल रही हूँ। बहुत ज्यादा इसे भी फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब मैं डाल रही हूँ टमाटर, ये बीन्स, जितने भी वेजिटेबल्स लिए हैं सब एक साथ डाल देंगे, तब ये थोड़ा सा पक जाएगा। इसमें गैस का फ्लेम थोड़ा सा लो कर दीजिए, अगर ज़्यादा होगा तो जब हम मसाले डालेंगे तब ये जल जाएगा। अब हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, जो ये मसाला है मैजिक, उसको एक साथ डाल देना है। अब मैं पानी डाल रही हूँ। अब इसे थोड़ा समय के लिए पका लेंगे, स्वाद अनुसार नमक। अब इसी समय ओट्स डाल देना है। अब अच्छी तरह से इसे मिला देना है। ओट्स को पकने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, फिर भी इसमें पानी की ज़रूरत होगा तो पानी और थोड़ा इसमें डालेंगे। ओट्स को मैंने ड्राई ही डाला था ना, इसीलिए क्या हुआ पानी झटपट सूख लिया है, तो इसमें और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। हाँ, और एक बात है कि मैं इसमें गर्म पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ अब, क्योंकि झटपट ये बन जाए। अगर आपके पास हाथों हाथ गर्म पानी नहीं है तो आप कूल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने गर्म पानी ही यूज़ किया है। लगभग 2.5 कटोरी पानी यूज हुआ है, तो इसको ढक्कन लगा के 2-3 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखिए, मसाला ओट्स रेडी हो गया। इसे बनने में करीब 5-7 मिनट लगा है। ये झटपट बन के रेडी होता है, इसीलिए आप इसे सुबह ब्रेकफास्ट में बहुत ही इजी तरीके से खा सकते हैं।
और ये हेल्दी भी होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल में हैं तो इसे बनाकर खाइए, आप हेल्दी भी रह पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारा वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल किया है। आप लोग भी जब भी बनाएंगे ना, तब इसमें बहुत सारा वेजिटेबल्स डाल दीजिए, तो ये बहुत ही हेल्दी बन जाएगा। ओट्स की और एक रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस वीडियो को देखिएगा ज़रूर, और आप लोग भी मसाला ओट्स बनाकर एक बार ज़रूर खाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है। ऐसा लग रहा था कि और खाऊं। अभी मैं डाल रही हूँ मान धनिया, इसका फ्लेवर यहाँ बहुत अच्छा लगता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।